साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ वीरू पर। डियर, आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे कि रिजल्ट आखिर क्यों अभी तक नहीं आ पाया। 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, आज 18 तारीख आ गई। डियर, 18 तारीख की सुबह भी हो गई और अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ पाया है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बता दूं। आज तक के इतिहास में सीटेट इससे पहले 15 बार आयोजित हो चुका है और कभी भी सीटेट ने जब अपने रिजल्ट के नोटिफिकेशंस में जो डेटें बता दी थी उसी डेट के अंदर ही अंदर उसने रिजल्ट हमेशा जारी किया है। इस बार भी जब उसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था फॉर्म फिल करवाने की और एग्ज़ाम की, तभी उसमें लिखा था कि 15 फरवरी के अंदर हम जो है सीटेट का रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन आज 18 तारीख हो गई, सीटेट का रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, एक आर्टिकल आज पेपर में छपा हुआ है जिसको मैं आप सबके सामने लाया हूं। इसमें लिखा है सीटेट का रिजल्ट 21 फरवरी तक होगा जारी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रिजल्ट में जो है बार बार डिले किया जा रहा है, उसकी डेटों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप जब इस न्यूज को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि CBSE द्वारा सीटेट आयोजित परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वे लोग रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, CBSE ने अपनी आधिकारिक सूचना में 15 फरवरी को रिजल्ट की संभावित तिथि निर्धारित की थी। लगातार जो है बच्चे जो है नेट की वेबसाइट पर CTET.NIC.IN पर विजिट कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा। तो मैं बता दूं, जो मेन मुद्दा फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर फंसा हुआ है और कुछ प्रश्नों में जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है टाइपिंग में गड़बड़ियां पाई गई थी, जिनके उत्तर जो है आयोग ने भी कुछ उत्तर माला में जब जारी की थी आंसर की, तो उसमें भी उन्होंने 2-4 प्रश्नों के उत्तर इधर उधर कर दिए थे। तो इन सब में जो है विचार विमर्श चल रहा है और साथ ही CBSE के जो अध्यक्ष थे मनोज आहूजा जी, उनकी जगह में नए CBSE के चेयरपर्सन विनीत जोशी जी आए हैं। तो नए अधिकारी आए हैं जिन्होंने चार्ज संभाल लिया है CBSE बोर्ड का, तो उनको भी इस मामले से अवगत जो है अभी सही तरीके से अधिकारी करा रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि अभी उन्होंने चार्ज लिया है और कोई गलती जल्दबाजी में निकल जाए। वो भी सारा डाटा जो है एक बार रीचेकिंग किया जा रहा है, जो आयोग के जो विशिष्ट सलाहकार हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो है जो आपत्तियां आप लोगों ने दर्ज कराई हैं उनके निस्तारण के लिए भी कार्य लगातार जारी है। तो आप लोग तनिक भी परेशान ना होइए। सीटेट ने कह दिया है कि हम 21 फरवरी तक हर हालत में रिजल्ट को जारी कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज शुक्रवार है, शनिवार, संडे, अंतिम डेट सोमवार तक हर हालत में रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आप कतई परेशान न हो। हाँ, कुछ जो है प्रश्न आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन को क्या किया जाएगा, तो आज तक के इतिहास में जब नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत हुई थी डियर, तो ये बैंक सेक्टर में की गई थी, यानी कि जो बैंकों में प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाती थी वहाँ से नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया। फिर SSC ने भी इसकी शुरुआत की, लेकिन आज तक किसी पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया गया। तो उम्मीदें ज़्यादा हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो सकता सीटेट में, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन इस पात्रता परीक्षा में लागू किया जाएगा तो मान लीजिए किसी बच्चे ने 140 सही किया है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में आप उसको 150 के ऊपर कर देंगे, 160 नंबर कर देंगे? तो इसमें चांसेस ये है कि नॉर्मलाइजेशन अभी तक की जो सूचना है वो लागू नहीं होने वाली है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो ये पेच भी कहीं ना कहीं विवादों में घिर जाएगा और इस रिजल्ट में और भी डिले होने के चांसेज हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो आप क्या जिस बच्चे ने 150 में 140 सही किए हैं क्या आप उनके नंबर घटा देंगे? भाई, जब उसने 150 में 140 नंबर का स्कोर अच्छे से किया है, 10 प्रश्न ही उसके गलत हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में उसके अंक बढ़ेंगे या आपको पता है, तो क्या पूर्णांक के ऊपर कर दिया जाएगा? कई मामला है डियर जिस पर मंथन लगातार CBSE के अध्यक्ष विनीत जोशी के द्वारा चलाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसे गहरा पेचीदा फंसा हुआ है इस बार का। अगर ये जो सीटेट है ऑफलाइन मोड में कराया गया होता तो रिजल्ट अब तक कब का आ गया होता, क्योंकि आपने पिछले सीटेट के सारे रिकॉर्ड देखे होंगे। जब भी पेपर का आयोजन ऑफलाइन कराया गया है, मात्र झटके से 2-3 दिन के अंदर जब आंसर की आती है उसके 2-3 दिन बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ जारी कर दिए जाते हैं। तो आप लोग वेट करिए थोड़ा और, जो इसमें दिक्कतें हैं उनको सही किया जा रहा है, संतुलित व्यवस्थाओं के द्वारा आपके रिजल्ट को जारी किया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ियां सीटेट के इतिहास में ना हो, क्योंकि आज तक का जैसा इतिहास रहा है कि सीटेट के रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई जल्दबाजी देखने को नहीं मिली है। तो
आप लोग जिनका भी आंसर की के माध्यम से 90 नंबर है वो बिल्कुल सेफ जोन में है जनरल वर्ग में, जिनका 82 है वो भी सेफ है, नंबर घटने के चांसेस बहुत कम है, आप कतई परेशान ना होइए, नॉर्मलाइजेशन लगेगा भी तो आप पास होंगे। आशा करता हूँ कि आपके एक एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो से बिल्कुल संतुष्ट हुए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इधर उधर के वीडियो ना देखिएगा। मैंने फाइनल वीडियो बना दिया है कि 21 फरवरी के अंदर अंदर आपका परिणाम आपकी वेबसाइट पर अपलोड होगा। थैंक यू, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।